सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम पेंट करने वाले गाइस, जो हमने लास्ट टाइम गणेश जी का ड्राइंग किया था उसको हम आज कलर करने वाले। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे कि किस तरीके से आप इसको कलर कर सकते हो। मैं गाइस यहां पे वाटर कलर और पेंसिल कलर का यूज करूंगा, दोनों का थोड़ा थोड़ा यूज करूंगा। तो किस तरीके से आप इसे इजिली ड्रॉ कर सकते हैं आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो गाइस, जब भी हम वाटर कलर यूज करते हैं तो आप सभी को पता है कि वाटर कलर ट्रांसपेरेंट मीडियम है। मतलब अगर आपने कुछ ड्रॉ किया उसके आप कलर करोगे उसके ऊपर, तो जो आपने ड्रॉ किया है वो लाइंस दिखते हैं। और इस आउटलाइन को हमने गाइस ग्रिड मेथड से बनाया है, तो इसलिए काफी ज्यादा जरूरी है कि हम सारे ग्रिड्स को इरेज कर दें और जो हमने डार्क शेड किया, मतलब जो आउटलाइन हमने डार्क बनाया उसको भी काफी ज्यादा लाइट कर ले, ताकि हमको बिल्कुल लाइट हमारा जो आउटलाइन है वो नजर आए और हम उसके ऊपर कलर कर पाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो भी हमने ग्रिड बनाया है और जो आउटलाइन बनाया है उसको लाइट कर लेंगे। ग्रिड को पूरा मिटा देंगे और जो आउटलाइन है उसको हल्के से लाइट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे मैं इरेज करने के लिए नॉर्मल इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, और जहाँ पे छोटे छोटे जगह है, जहाँ पे शार्प जगह है, वहाँ पे मैं नीडेबल इरेजर का यूज़ करूँगा, क्योंकि काफ़ी ईजिली उससे इरेज हो जाता है। और जहाँ पे लाइट करना है गाइज, अगर आप इरेजर को हल्के हल्के से उस ग्रेफाइट पर चलाओगे, टैप टैप करोगे हल्के से, तो वो ऑटोमेटिक वो जो ग्रेफाइट आपने जो ड्रॉ किया है वो लाइट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको बस सिंपली तरीके से आपको जो भी ग्रिड है, जो भी एक्स्ट्रा लाइन्स है, उसको सारे को इरेज कर लेना है और जो आउटलाइन बचेगा उसको हल्के से लाइट कर लेना है। गाइस, इस ड्राइंग में जो जो कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ, सारे कलर मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। लेमन येलो, कैडियम ऑरेंज, टाइटेनियम वाइट, ब्लैक, स्कारलेट ब्लू, ये बर्ड नंबर, ये गाइस कॉमन कलर है। हालांकि इसके नाम यहाँ पे आपको यूनिक लग रहे हैं, लेकिन ये गाइस कॉमन कलर है। अगर आप ध्यान नॉर्मल देखेंगे तो ऑरेंज, रेड, येलो, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू, ये कलर, ये सारे कलर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो इन सारे कलर को आपको अपने कलर, जो भी आपका कलर सेट होगा, वाटर कलर जो भी कंपनी का है, उससे कलर से निकाल लेना है, उस सेट से निकाल लेना है। इन सारे कलर को एक पैलेट पे ले लेना है। अब गाइस यहाँ पे मैं ड्राइंग करने के पहले उस ड्राइंग के ऊपर एक वाटर कलर का लेयर लगा रहा हूँ, ताकि जब हम उस पर कलर करें तो वो कलर को ज़्यादा ऑब्जर्व ना करे। वाटर अगर ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा तो कलर भी, उसका कलर का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छे से दिखेगा। इसलिए जब भी आप वाटर कलर यूज़ करो, पहले एक बेस लेयर वाटर का लगा लेना। और अब गाइज मैं यहाँ पे कलरिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गाइज कलरिंग करना काफ़ी ज़्यादा ईजी, अगर आप ध्यान देंगे तो काफ़ी ज़्यादा ईजी पड़ेगा। जब भी आप कलर मिक्स करो तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि उस कलर में कौन कौन से टोन आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे गाइज मैं ऑरेंज कलर और येलो कलर को मिक्स करके, ऑरेंज कलर और हल्का येलो कलर मिक्स करके यहाँ पे टोन दे रहा हूँ। और आपको वाटर अच्छी तरीके से यूज़ करना है। अगर आप वाटर अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे तब उसका टोन आपको प्रॉपर मिलेगा। और हमेशा वाटर अच्छे तरीके से इसलिए यूज़ करना है गाइस, ताकि आपको जो टोन है वो लाइट टू डार्क आपको मिले। डायरेक्ट अगर आप कम वाटर यूज़ करोगे तो जो आपका टोन है वो भी अच्छे तरीके से, जो आपका कलर है वो भी अच्छे तरीके से फैलेगा नहीं। इसलिए वाटर अच्छी तरीके से यूज़ करना। और गाइस यहाँ पे मैं कलर करने के बाद हल्के हल्के से टिश्यू पेपर से टैप कर रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे आपको लगे कि थोड़ा लाइट रखना है, ज़्यादा कलर लग गया, वहाँ पे आप टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो कलर है वो उस शीट से थोड़ा उठ जाए। और अब गाइस जो हमने टोन बनाया था स्किन टोन, उसमें थोड़ा रेड या फिर थोड़ा ब्राउन मिक्स करना है। आपको देखना है गाइस कि टोन क्या है। तो मैंने जो उसमें ऑरेंज और येल्लो कलर यूज़ किया था, उसमें थोड़ा सा रेड कलर मिक्स किया और थोड़ा सा ब्राउन कलर मिक्स किया। उसके बाद मैं आइट साइड के शेड को दे रहा हूँ गाइस, जिस तरीके से आपको इस ड्राइंग में नज़र आ रहा है। जहाँ जहाँ पे डार्क टोन है गाइस, जहाँ पे आपको लगता है, जहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि ब्राउन ज़्यादा है, वहाँ पे मैंने ब्राउन कलर ऐड किया। जैसे ऑरेंज में मैंने थोड़ा ब्राउन कलर और ऐड किया है, तो इससे क्या होता है वो टोन हमको मिलने लगता है। और कभी भी ट्राई मत करना गाइस ऐसा कि आपको डायरेक्ट एक बार में वैल्यू लाना है। हमेशा लाइट शेड बनाना है और उसको अप्लाई करना है, और सूखने के बाद वो चीज़ और लाइट दिखेगा। उसके बाद हमको धीरे धीरे डार्क करना है सेकेंड लेयर या थर्ड लेयर में। तो जब भी आप वाटर कलर में फर्स्ट लेयर अप्लाई करोगे तो वो सूखने के बाद थोड़ा और लाइट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी आप टोन बनाओ वो ज़्यादा मतलब लाइट ही रखना, ताकि बाद में आप उसको डार्क कर पाओ। क्योंकि अगर आप पहले ही डार्क कर दोगे तो उसको लाइट करते नहीं बनेगा। इसलिए लाइट टू डार्क ही जाना हमेशा वाटर कलर पे। पहले मैं यहाँ पे गाइस पूरे जो स्किन है, जो हैंड है, लेग है, वो सारे पे जगह पे बेस लेयर देते जाऊँगा। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ, सेम उसी तरीके से आपको फॉलो करते हुए पेंट करते जाना है।
और फर्स्ट लेयर देने के बाद गाइज थोड़ा सा वेट करना ताकि जो हमारा जो फर्स्ट लेयर है वो थोड़ा सूख जाए। उसके बाद आपको सेकंड लेयर अप्लाई करना है। सेकंड लेयर में क्या करना है गाइस, जहाँ जहाँ पे डार्क टोन आपको नज़र आ रहा है उस डार्क टोन को देना है। जैसे जहाँ जहाँ पे डार्क ब्राउन नज़र आ रहा है उस जगह पे आपको डार्क ब्राउन करते जाना है। और जैसे अभी ब्राउन किए उसके बाद जहाँ पे ब्लैक होगा वो नेक्स्ट लेयर पे जाएगा। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे लेयर दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे डार्क कर रहा हूँ वहाँ वहाँ पे आपको डार्क करते जाना है। सो गाइज अब मैं लास्ट लेयर दे रहा हूँ जिसमें मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ। जैसे हेयर में एग्जैक्ट ब्लैक कलर मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ ब्रश से, और आई को चाहे तो गाइज आई पार्ट हो गया या फिर जो भी छोटे छोटे डिटेल्स पार्ट है उसको चाहे तो आप ब्रश से कर सकते हो। अगर ब्रश से आपको नहीं करना है, ब्रश से थोड़ा हार्ड पड़ता है, तो आप कलर पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। कलर पेंसिल में ऐसा है गाइज कि आपको एक बार शार्प करके काफ़ी अच्छा पॉइंट मिल जाता है जिसके थ्रू आप बिल्कुल फाइन लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। Thank you.
कहीं कहीं पे गाइज आपको हल्के शेड्स के लिए ब्राउन कलर यूज़ करना है कलर पेंसिल का। और जब भी आप वाटर कलर शीट पे वाटर कलर अप्लाई करेंगे उसके बाद आप कलर पेंसिल ट्राई करेंगे तो गाइस काफ़ी इजीली कलर पेंसिल चलने लग जाता है उस पर। तो इस तरीके से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं कि बेस लेयर आप वाटर कलर से दे ताकि कलरिंग आपका जल्दी हो जाए, उसके बाद डिटेल्स आप पेंसिल कलर से डिटेल्स दे सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो ड्रॉइंग है काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस बस आप रेफरेंस फोटो देख देख के यहाँ पे जहाँ पे जितने डिटेल्स है जैसे कि जो मैंने टीका है उसको मैंने रेड कलर पेंसिल से बनाया, और जो सूट पे है वहाँ पे मैंने पिंक डार्क पिंक का यूज़ करके उस पर लाइन बनाया, और यहाँ पे जो जो कान है जो बड़े बड़े कान हैं वहाँ पे मैं लाइट जो पिंक कलर है उससे शेड दे रहा हूँ ताकि जो इफेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे, जो डेप्थ है वो नज़र आए। तो जिस तरीके से मैं यहाँ पे डिटेल्स ऐड करते जा रहा हूँ सेम बस आपको डिटेल ऐड करना है, बस बेस लेयर बनाना है उसके बाद सारी डिटेल्स ऐड करते जाना है। तो ध्यान से देखना जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ सेम उसी तरीके से बस आपको फॉलो करते जाना है। ज्वेलरी और मुकुट पार्ट के लिए गाइस मैंने सबसे पहले तो येलो कलर अप्लाई किया जो कि इजीली क्लियर काफ़ी अभी आपने देखा, तो येलो कलर अप्लाई किया। उसके बाद गाइस यहाँ पे मैं गोल्डन कलर और थोड़े ब्राउन कलर यूज़ करके जो उसके डिज़ाइंस है जो ज्वेलरी में जो मुकुट में डिज़ाइंस हैं उसको यहाँ पर डिटेल कर रहा हूँ।
तो गाइज हमारा यहाँ पे पेंटिंग कंप्लीट हो गया, कुछ इस तरीके का लग रहा है हमारा पेंटिंग। कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है। अब गाइज यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड भी देना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अगर बैकग्राउंड देंगे तो जो हमारा जो फोटो है रेफरेंस वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होगा, इसलिए बैकग्राउंड भी यहाँ पर देंगे हम। तो कमेंट करके बताना गाइस ये ड्राइंग कैसा लगा, और गणेश जी का ट्यूटोरियल लाना चाहिए कि तो मैं और गणेश जी का ट्यूटोरियल लेके आ जाऊंगा। काफी लोग कमेंट कर रहे हैं कि पेंसिल स्केच पे लेके आओ, तो ट्राई करेंगे कि पेंसिल स्केच पे भी लेके आए। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।